तीनों ने सुरक्षित मार्ग बनाया था ना? हाँ, बोलो। हाँ राजकुमार जी, हमने उन दोनों को ही सारा रक्षा दिया था। और उसके बाद तो हम निरंतर आप ही की सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक ने दूसरे हस्ते की जानकारी उन डकैतों को दे दी है। क्या ये? तुम दोनों की वजह से सिर्फ हमारा धन नहीं लूटा गया बल्कि हमारा सपना भी लूट लिया गया। हमारा सपना भी। हमारा भविष्य भी लूट लिया गया है और सिर्फ तुम दोनों की वजह से हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल गया है और अब हम तुम दोनों को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, तुम दोनों को। क्योंकि सब जानते हैं हमारा नुकसान करवाने वालों के लिए केवल सजा मौत है मौत। और हाँ, तुम दोनों इन दोनों को लेकर जाओ और हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। देखिए ना हरकुरानी साहब, देखने में तो ये केवल एक सफेद घर है लेकिन अगर चाल चलने का मौका मिले ना तो शतरंज में अनगिनत रंग होते हैं। हर बार एक नया रंग। इस बार आपके लिए एक नया रंग है जिसका नाम है बचाओ। बचाइए अपनी रानी। मेरे तो एक छोटे से प्यादे ने ही आपकी रानी को घेर लिया है। रानी तो रानी होती है रखमा, चाहे कितने भी प्यादे उसे घेर ले, उसे शह भी वो दे सकते हैं लेकिन आखिरी वार रानी का ही होता है। लो संभालो। सही कहा आपने हरकुरानी साहब, सबकी अपनी एक जगह होती है। मुझे अपनी जगह मालूम है। मालवा के इस शतरंज के बिसात पर मेरी जगह एक प्यादे से बढ़कर नहीं है। रकमा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तो खेल के बारे में बात कर रही थी। रानी का पद इतना बड़ा होता है कि उसकी नजर पूरे बिसात पर होती है। सही कहा आपने हरकुरानी से। बेशक प्यादे का पद छोटा होता है लेकिन रानी कब कौन सी चाल चलेगी, प्यादे की नजर हमेशा उस पर होती है और अपने पद की वजह से रानी बेखबर होती है कि नहीं? तुम किस संदर्भ में बात कर रही हो रखमा? वो तो मैं खेल के बारे में बात कर रही थी। लो, ये बाजी तो तुम हार गई। अरे पर अभी तो बाजी शुरू हुई थी। नहीं नहीं रखमा, बाकी बाद में। मल्हार सरकार आ रहे हैं, मुझे सब तैयारी करनी है। और हाँ, तुम भी रसोई में जाकर देख लो उनके मनपसंद का खाना बना है कि नहीं। हाँ जी।
उतना ही करना जितना मैंने तुमसे कहा है। जी। अहिल्या तक धनराशि के मार्ग की जानकारी पहुंच जानी चाहिए। जाओ। चलो, चले। और जल्दी। चलो, जल्दी चलो। शाबू जी। जी। आपने सारी धनराशि अच्छे से गिनकर रखी है ना? जी जनाब, इतनी धनराशि है कि राजकुमार जी के दो नए वाड़ों का निर्माण हो सकता है। वैसे इतनी सारी धनराशि यूं खुल्लम खुल्ला लेकर जाना उचित रहेगा क्या? कहीं रास्ते में चोर डकैतों ने लूट लिया तो? ये राजकुमार मालेराव का धन है। शेर के दांत गिनने के चक्कर में कई बार गर्दन कट जाती है। तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सपने में कि राजकुमार मालेराव का धन कोई लूट लेगा। खैर, ये देखिए, मैंने आपके लिए एक नया मार्ग बनाया है। इस मार्ग से होकर आपका काफिला जाएगा। आप निश्चिंत रहिए और आराम से जाइए। यहाँ जनता को पीने और जीने के लिए पानी नहीं है और मालेराव अपने भोग विलास में पानी की तरह धन बहा रहा है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने की बजाय ये अपने ही ऐशो आराम में। अहिल्या, अभी मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैं अभी जाके मालेराव से बात करता हूँ। नहीं तो कुछ भावजी, नहीं, मेरे पास एक और उपाय है। बस अब अपने इस याददाश्त को धूल की तरह झाड़ दो। जो भी हुआ भूल जाओ उसे। कहीं ये बात मालेराव के सामने आ गई तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अहिल्या, इसे कहते हैं रखमा का तीर। और अहिल्या मालेराव सहित पूरा वाड़ा निशाने पर। तुम समझती हो कि तुमने मालेराव की धनराशि पर डाका डाला है, लेकिन नहीं, मैंने तुमसे वो डकैती करवाई है। लेकिन अब देखना ये है कि मालेराव असली डाकुओं तक कब और कैसे पहुंचता है। शांत रहे, हम शांत रहे। हम क्या कोई निर्जीव व्यक्ति है जो शांत रहे? डाकू आए, हमारा धन लूटकर चले गए और तुम कह रही हो कि हम शांत रहे? हाँ, तो अगर वो डाकू आपका धन लूटकर चले गए, आप उन्हें ढूंढकर सजा दीजिए। अपने ही वफादार सिपाहियों को अपने मृत्यु दंड क्यों दे दिया? इसमें उनका क्या कसूर? वो लोग तो बस अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे तो फिर गड़बड़ कैसे हुई? चलो माना कि कोई कसूर नहीं है उनका, पर लापरवाही करके लूट की वजह तो वो लोग बने ना, और उस लूट की वजह तुम भी हो। हम वजह कैसे? क्योंकि तुम्हारी नजर लगी हुई थी हमारे नए वाड़े पर, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर। ना ही हो, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम कभी नहीं चाहती थी कि हमारे सपनों का नया वाड़ा बने। बहुत कोशिश की है ना तुमने, आई साहब के कान भरे, और आज इस हादसे के बाद तुम तो बहुत खुश हुई हो, है ना? राजकुमार जी, अब हमेशा हमें गलत ही क्यों समझते हैं? हम आपका बुरा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी भलाई। अरे नहीं चाहिए हमें तुम्हारी भलाई। मत करो हमारी भलाई, और तुम अभी के अभी यहां से बाहर जाओ। जाओ आले रहो। ये क्या कर रहे हो मालेराव? मैं ना, तुम जाओ, मैं बात करती हूं मालेराव से।
ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का मालेराव? और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो अपना गुस्सा उस मासूम लड़की पर निकाल रहे हो तुम? क्या हुआ बताओ मुझे। डाकुओं ने हमारा धन लूट लिया है काकी साहब। क्या डाकुओं ने तुम्हारा धन लूटने की हिम्मत? मालवा के राज्य में डाकू का कहर फिर से? मतलब तुम्हारी धन राशि के साथ सिपाही मौजूद नहीं थे क्या? थे ना, थे, पर उनकी लापरवाही की वजह से हमने उन सिपाहियों को मृत्यु दंड दे दिया है। और यहाँ चिमैना हमें ज्ञान देने आई। हे शिव शंभु, ये क्या हो गया? ऐसे कौन से डाकू हैं जिन्होंने मालवा के शाही खजाने को लूटने की हिम्मत की? मालवा के डाकू तुम्हारी आई साहिब के नाम से कांपते हैं। किशन नायक और जीवा जैसे डाकू ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर ये नए डाकू कहां से पैदा हो गए? जहां तक मुझे पता है, अहिल्या ने जगह जगह छावनियां बनवाई थी डाकुओं का मुकाबला करने के लिए। हाँ मालेराव, मालवा को डाकू मुक्त कराने का बीड़ा तुम्हारी आई साहेब ने ही तो उठाया था। फिर ये डकैती कैसे? जहां तक मैं तुम्हारी आई साहेब के पराक्रम को जानती हूँ, उस सूरत में दो ही तरह के डाकू ये डकैती कर सकते हैं। पहले वो जो तुम्हारी आई साहेब से ज्यादा पराक्रमी और बलशाली हो, लेकिन मालेराव उनकी भी गुंजाइश नहीं लगती। और दूसरे वो जिन्हें अहिल्या का साथ मिला हो, पर उसकी भी गुंजाइश कम है। काकी साहब, यहाँ पर हमारा धन लूट लिया गया है और आप अटकले लगाकर हमें परेशान कर रही हैं। अटकले ही सही निशाने का मार्गदर्शन देती हैं मालेराव। तुम एक बार अपनी आई साहब से जाकर बात करो ना, वो आ तो गई होंगी ना। वापस आ गई होगी? कहाँ गई थी आई साहब? मेरा मतलब है, जब भी मैं तुम्हारे काका साहब से पूछती थी तो वो हमेशा यही बताते थे कि अहिल्या के साथ किसी खुफिया मुहिम पर जा रहे हैं। और इत्तेफाक देखो मालेरा, जब अहिल्या, हमारे काका साहब और यशवंत जी इस वाड़े में नहीं थे, उसी समय लूटपाट हुई। मेरा मतलब है, अगर वो सब इस वक्त उस वाड़े में होते तो कुछ ना कुछ तो करते ना। आई साहब का सुबह से बाहर जाना और लूट होना, क्या ये बस एक इत्तफाक है या? बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो मालेराव। हमने सारा हिसाब देख लिया, हमें सब ठीक लग रहा है। हुँ? अरे मुक्ता, तुम यहाँ? तुम्हें हिसाब किताब में रुचि कब से होने लगी? वो अजीब, ये कहते हैं कि राजगद्दी से जुड़े हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि उसे इन सब चीजों से जुड़ा होना चाहिए, वरना वो राजगद्दी से जुड़ा नहीं होता। बस इसीलिए। और इसीलिए तुमने अपने इनकी बात मान ली। अरे अहिल्या, हमारी मुक्ता को हिसाब किताब में रुचि होने लगी है। अरे वाह, लेकिन ऐसे कैसे? वो ऐसे कि मुक्ता के उन्होंने कहा है कि जो भी राज दरबार में रहता है उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए, और इसीलिए इन्होंने अपने उनका कहना मान लिया। क्या बात है मुक्ता, अनजाने में ही सही आई, लेकिन मुक्ता के मन में यशवंत के लिए जगह बनने लगी है। सुन के अच्छा लगा बेटा। अरे अहिल्या, तुम सुबह से कहाँ थी?
आई साहेब सुबह से कहां गई थी गंगो बतात्या? देखिए गंगो बतात्या, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए आपका ये कर्तव्य है ये पता रखना कि राजघराने के लोग कब कहां और क्यों जाते हैं, क्योंकि जब आप हमारे पीछे गुप्तचर लगा सकते हैं ये जानने के लिए कि हम कहां गए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई साहब कहां गई थी। और हां, हम आपसे पूछ नहीं रहे गंगो बतात्या, हुक्म दे रहे हैं, बताइए कहां गई थी आई साहब। अहिल्या, हम केवल पूछ रहे हैं कि तुम सुबह से कहां थी। अहिल्या, सब ठीक तो है ना? आई, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकती और सच बताने का भी समय नहीं आया। आई आजी, क्या आप भी इधर उधर की बातों में फंस गए हैं? हम इतने दिनों बाद लौटे, तो आपके साथ और आई के साथ थोड़ा वक्त तो बिताने दीजिए। और आई साहब का क्या है, वो तो अपने जल कल्याण में फंसी रहती हैं और अपने काम के लिए इधर उधर जाती रहती हैं, तो कब कहाँ जाती हैं ये किसे पता रहता है, है ना आई? हम बताते हैं मुक्ता। हमारी आई साहेब कहां गई थी? लेकिन खेल अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। क्यों आई साहेब, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? वैसे आप कहां गई थी हम सबको अकेला छोड़कर, वो भी बिना किसी को बताए? अब तो बता दीजिए। और आपको तो अपनों से राजदारी वैचारिक रूप से ठीक नहीं लगती है ना? और आप तो वैचारिक रूप से हमेशा सही होती है ना? अब आप सबको बताएंगी या हम सबको बताएं? मालेराव, आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है अपनी आई साहिब से बात करने का। आजी साहिब, अभी आप एक तरफा सोच रहे हैं, रुकिए, सबर कीजिए, बताते हैं। हम आपको दूसरी तरफ का दृश्य दिखाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पुराने झूठ को नया सच पकड़ लेता है, लेकिन आज मामला उलट गया है। पुराने सच ने नए झूठ को पकड़ने का रास्ता दिखाया है। क्यों आई साहब, सही कह रहे हैं ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.